पहले से ही मतलब होती हैं, और हमारे पास अलग अलग तरह की मैग्नेट्स होती हैं। हम लोग एक होती है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट्स, एक होती है हमारे पास नॉर्मल मैग्नेट जो हम लोग मतलब बना लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो मैग्नेट्स हम लोग को अलग अलग तरह से पढ़ने हैं। तो मैग्नेट्स एक्चुअल में ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी और ये किस तरह से स्टार्ट किया गया था उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं कि मैग्नेट को पता कैसे चला था कि करंट जो होता है उससे मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, इस बात का पता कैसे चला था इसको हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑरिस्टिड एंड ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और उन्होंने ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करे थे इस तरह से, उन्होंने देखा कि एक कॉपर की थिक वायर थी, ठीक है, अ कॉपर वायर जो कि कनेक्टेड थी किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इस तरह से, और वहां पर एक कंपास निडल रखा हुआ था, मतलब पास में कंपास निडल रखा हुआ था। और जैसे ही उसमें मतलब उसमें उन्होंने की को स्विच ऑन और ऑफ किया तो कुछ इस तरह से उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले, मतलब कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन देखने को मिला। सो अ स्मॉल कंपास निडल इज प्लेस अंडर द नेथ, वहीं पर मतलब रखी हुई थी कंपास निडल, और जैसे ही करंट पास किया गया द सर्किट इंसर्टिंग द की मतलब प्लग करके द निडल इज ऑब्जर्व द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्टेड। व्हाई शुड इट गेट डिफ्लेक्टेड, क्यों डिफ्लेक्ट की गई। अब सवाल ये है कि ये क्यों डिफ्लेक्ट की गई, तो हम लोग सोच सकते थे बहुत सारे रीजन हो सकते थे। तो ये देखा जाता है यू यू नोज वेरी वेल कि मैग्नेट जो होते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं तो दो अलग अलग तरह की फोर्सेस हमारे पास होती हैं, और फोर्स ही चाहिए होती है किसी भी चीज को रोटेट कराने के लिए, डिफ्लेक्ट कराने के लिए। तो यहां पर जो फोर्स है वो किस तरह की फोर्स की बात की जा रही है, तो करंट पास करने पर कोई सी ऐसी फोर्स लगी जिसने दूसरी मैग्नेट पर एक फोर्स लगाई और उसको डिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्योंकि एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कैसी फोर्स बोलते हैं हम लोग, दैट वी कॉल्ड इट द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी एक मास M1 ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा M2 ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला जी M1 M2 अपॉन R2, इसके उससे हम लोग निकालते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी फोर्सेस होती हैं, जैसे कि आप देखोगे कि एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट पर लगाता है, इसी तरह से एक चार्ज ऑब्जेक्ट दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैग्नेट तो ना ही चार्ज ऑब्जेक्ट है, मतलब मास तो है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ऑन करने पर ही इस पर फोर्स लगी, ऐसा क्यों हुआ। तो इसका सिंपल सा जवाब है, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है और मैग्नेट बनाता है, और जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फोर्स दूसरे मैग्नेट की फोर्स पर फोर्स लगा सकती है, यानी एक मैग्नेट पर दूसरी मैग्नेटिक फोर्स ही फोर्स लगा सकती है। लगा तो दूसरी भी सकती है, जैसे मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रही होगी क्योंकि वो मास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ये डिफ्लैक्शन वाला केस कि आपने इलेक्ट्रिसिटी ऑन करी और उसकी वजह से ये कंपास निडल जो है वो डिफ्लैक्ट हो गई, तो ये कब पॉसिबल है, जब एक मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट पर फोर्स लगा। यानी इट इज ओनली पॉसिबल इफ अ मैग्नेटिक फोर्स इज देयर, इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स देन दिस विल बी नो डिफ्लेक्शन। वी कैन नॉट से दैट अ चार्ज फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लग रही है इस वजह से ये मूव कर रही है, या ग्रेविटेशनल फोर्स लगी इसलिए इसलिए मूव कर रही है। नहीं, अब ये मैग्नेटिक फोर्स ही हम इसका नाम रखेंगे, क्योंकि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर ही फोर्स लगा सकता है, यानी एक मैग्नेटिक फोर्स दूसरी मैग्नेटिक फोर्स पर मतलब अफेक्शन, या मतलब बोलेंगे एक एक अपना इफेक्ट को क्रिएट करती है। समझ आया, डू यू हैव डाउट रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, बोलिए, डाउट है बेटा इसमें कुछ नो सर। पक्का? चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो इसी तरह से मतलब ये ऑरेस्टेड ने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ऑरेस्टेड ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को देखा था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर तुम देख सकते हो कि एक मैग्नेट जो होती है, मैग्नेटिकली डिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट, यानी एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो है वो उस पर फोर्स लगा सकती है, अदरवाइज फोर्स लगनी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल कैप्ट अंडर द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द वायर, दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर लिंक्ड ईच अदर, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड है। समझ आया, समझ आया? यस कैसे सर। पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मुझे बताइए कैसे पता चला कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेट बनाता है, या मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, या उस पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, इस बात का हमें कैसे पता चला, हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं इस बात को, बताइए, कोई मुझे बताएगा जवाब, हाउ कैन वी प्रूव दिस, बोलिए बेटा कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्योंकि जब ऑरेस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था उस
और स्टेट के एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया, क्या देखा गया, कि एक कंपास निडल पास में रखी हुई है और जैसे ही करंट पास किया गया तो वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है एक मैग्नेट पर दूसरी मैग्नेटिक फोर्स लगा सकती है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द कंपास निडल दैट इज प्रेजेंट नियर टू द करंट कैरिंग वायर। ओके, समझ आया? यू अंडरस्टूड और नॉट? आई एम आस्किंग बेटा, टेल मी, यू अंडरस्टूड? सो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज है, कंपास निडल जो होती है वो एक स्मॉल स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिहेव एज अ स्मॉल बार मैग्नेट, ठीक है? अ फ्रीली पॉइंटेड मैग्नेटिक निडल होती है, ऑलवेज पॉइंट अप्रोक्सीमेटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज, हमेशा अगर उसको किसी फील्ड में नहीं है तो वो जो है एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, अर्थ का जो नॉर्थ एंड साउथ है उसमें पॉइंट करती है। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, द पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल, उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी जिस तरफ नॉर्थ होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, और द पॉइंटिंग एंड द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल, उसको हम लोग साउथ सीकिंग या साउथ पोल बोलते हैं। समझ आया? Yes. समझ आया पक्का? Yes, sir. Okay. So, इस तरह से हमारे पास ये प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? तो इसकी डिस्कवरी हुई और इसकी डिस्कवरी के बाद हम लोग को पता चला कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है? सो अभी हम लोग आगे, एक मिनट, ओके। तो इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता चला और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारे पास डिस्कवर्ड होती चली गई, ठीक है? तो अलग अलग तरह से हमारे पास, अब मैग्नेट हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो होती है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट, यू आर वेरी मच फैमिलियर विद दैट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ही प्रोड्यूस हो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, और ये डिस्कवर्ड की जाती है यानी बनती है जब करंट कैरिंग, मतलब करंट पास किया जाए वायर के अंदर। एक मैग्नेटिज्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो हमेशा के लिए मैग्नेट रहती है, एंड द करंट्स आर वेरी सिमिलर, सो बोथ मस्ट हैव कॉमन कॉजेस, उनके सेम कॉजेस होने चाहिए। करंट इज द कॉज ऑफ ऑल मैग्नेटिज्म, करंट जो होता है वो मेन कॉज होता है मैग्नेटिज्म का। समझ आया? कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? करंट है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इसको जरा थोड़ा समझ लेना, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरो मतलब आयरन, मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेट। ऐसा होता है कि जो मैग्नेट के मटेरियल होता है, ठीक है, उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स यानी आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनपेड होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताया था, तुम्हें सिखाया भी था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो घूमते हैं और शेल्स में अनपेड होते हैं। अनपेड मतलब जैसे सपोज कीजिए कि कुछ जगहों पे तो वो पेयर में रहेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और कुछ जगहों पर ये अनपेड हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, दे बिकम अनपेड लाइक दिस, अकेला अकेला एक कमरे में रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अकेला है और वो अकेला ही कमरे के अंदर है, तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट की तरह। और इस कंडीशन में ये, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि जो मैग्नेट होता है उसके अंदर, जैसे ये हमारा एटम है, इसके अंदर न्यूक्लियस है और इसके अंदर बहुत तरह के शेल्स होते हैं। अब ये कुछ इस तरह से स्पिन कर रहे होते हैं। अब ये तुम सोचोगे सर ये आपने टेढ़ा मेढ़ा कैसे बना दिया, अलग अलग ऑर्बिट है, कोई ऊपर को जा रहा है, कोई नीचे को जा रहा है, कोई मतलब अलग अलग तरह से ऑर्बिट्स होते हैं, सब एक ही ऑर्बिट में नहीं रिवॉल्व करते हैं, एटम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है? तो अब सपोज कीजिए ऑर्बिट्स में, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसी ऑर्बिट में तो ये पेयर्स में है, किसी में ये अनपेयर्ड में है। तो जहां पर अनपेयर्ड केस आ जाता है वहां पर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिज्म शो करने लग जाता है। और एक्चुअली में ये थोड़ा लंबा केस है तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जा रहा, केमिस्ट्री में जाना पड़ जाएगा फिर पूरा, बस इतना कहूंगा कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, कुछ तो क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, कुछ एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, स्पिनिंग क्रिएट मैग्नेटिज्म। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे और दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, तो अब तुम कहोगे सर ये आपस में टकरा जाएंगे, बेटा वो अलग केस है, तुम उतना मत जाना कि टकराएंगे नहीं, बस ये याद रखो टकराएंगे नहीं। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फिर ये वाला केस समझ लो ऐसा आ जाएगा और मैग्नेटिज्म कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर एक 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 मतलब
काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड होने पर वो क्लॉकवाइज ही घूमेंगे, मतलब उनका स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज होगा, तो उस कंडीशन में मैग्नेट प्रोड्यूस होती है। तो अगर जोड़ों में इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, तो फिर वो मैग्नेट मैग्नेट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिज्म मतलब आ जाता है उससे, मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। ये थोड़ा समझना है। अब कैसे आती है, तुमने SPDF तो पढ़ा नहीं है, तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा सकता। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट में जैसे ये ऑर्बिट समझ लो कुछ इस तरह से, इसमें कुछ इस तरह से ये ऑर्बिट्स हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब इनके साथ जोड़े भी हो सकते थे, ये जोड़े भी हो सकते थे। मतलब सोच लो कि एक मेटल है और उसके अंदर ये एटम से अगर जोड़ों में होता ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे, एक सीधा तो एक ऊपर को, तो ये इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता। लेकिन अभी ये इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करेगा। इफेक्ट को कैंसिल आउट क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन परमानेंट मैग्नेट द करंट इज द करंट इन द इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, मतलब जो मैग्नेट का द करंट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड स्पिन्स, मोस्ट कैंसिल आउट, ज्यादातर कैंसिल आउट कर देते हैं एक्सेप्ट फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, ज्यादातर तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं। जहां पर जोड़ा होता है ना, मतलब तुम सोचो ऑक्सीजन भी जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करती है। बहुत सारे फ्यूल ऐसे होते हैं, तुमने देखा होगा कि एक लिक्विड होता है जो कि फेरोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके अंदर तो उसके पास तुम तो मैग्नेट लेके जाओगे तो वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो अलग अलग तरह से हमारे पास चीजें होती हैं, तो मोस्ट कैंसिल आउट मतलब ज्यादातर कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर जोड़ों में होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। स्पिनिंग जो होती है वो कोई क्लॉकवाइज कर रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन अगर ज्यादा क्लॉकवाइज हो गई, एंटी क्लॉकवाइज कम हो गई, तो फिर मैग्नेट बननी शुरू हो जाती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट देयर इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब आपने पढ़ा भी होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था पिछले क्लास में, कि जब एक इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मतलब जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये रैंडमली इलेक्ट्रॉन तो हमेशा होंगे, चाहे करंट उसके अंदर फ्लो हो या नहीं हो, तो ये रैंडम कंडीशंस पे रहते हैं, और कोई ऊपर मूव कर रहा होता है, कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई पीछे, इस तरह से ये रैंडम कंडीशन पे मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इनके अंदर मैग्नेट की तरह नहीं बिहेव करता, क्योंकि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर रहा है, ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो कैंसिल आउट आउट हो जाएगा। लेकिन जब इनके अंदर हम लोग इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट कर देते हैं, यानी हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं वायर को, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, और फिर ये इनकी स्पिन जो होती है, स्पिन मतलब घूमना, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो घूमना होगा या मतलब मूव करना होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाती है चीजें। तो जितना ज्यादा ये मतलब स्पिन को हम लोग अच्छा करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे से मैग्नेट बन पाती है, उतनी जबरदस्त मैग्नेट बन पाती है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो मैग्नेट अच्छा बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी एक पर्टिकुलर स्पिन में घूमना जरूरी है। और तो कुछ मटेरियल में तो ये ऐसा होता है कि ये अपने आप मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता है, और कुछ में ऐसा होता है कि हमें जो है करंट लगा करके, मतलब करंट सप्लाई करके उसे ऐसा करना होता है। तो कंडक्टर्स के अंदर हम लोग, कुछ कंडक्टर्स में हम लोग करते हैं करंट सप्लाई करके वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, और कुछ में ऐसा नहीं होता, कुछ में बाई नेचर के थ्रू ही वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्पिन में घूम रहे होते हैं और उससे मैग्नेट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक इफेक्ट डज नॉट कैंसिल आउट बाय लार्ज ग्रुप ऑफ एटम्स, दिस गिव स्मॉल मैग्नेट ऑफ साइज, मतलब छोटा ही मैग्नेट हम लोग को मिलता है, कॉल्ड मैग्नेट डोमेन्स। इन परमानेंट मैग्नेट दिस डोमेन्स आर अलाइंस एंड कॉमन मैग्नेट्स मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड निक्रम एंड क्रोमियम डाइऑक्साइड, इनमें ये मैग्नेटिक मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से दे बिहेव एज गुड मैग्नेटिक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। समझ आया आपको, समझ आया यस सर। पक्का? चलो, तो अनपेड और पेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब समझ में आ गया, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो होने जरूरी होते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। सो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक मैग्नेट को रखा, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने इंड्यूस किया है, सपोज कीजिए बेटा ध्यान से कि हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिज्म है, यहाँ पर हमने मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया है। अब इंड्यूस मतलब, अब तुमने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रेंडम पोजिशन पर है, दे आर इन रेंडम पोजिशन, कोई इधर मूव कर रहा है तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरा वाला कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पर कैंसिलेशन होती है, ये वाला जो है मतलब एक ऊपर है तो एक नीचे है, तो उसके इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाते हैं।
लेकिन जैसे ही हम लोग परमानेंट मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं तो दूसरे वाले में भी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, यानी इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरा सब्सटेंस भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। दूसरा सब्सटेंस भी, जैसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट के पास जो है कोई आयरन की स्ट्रिप लगाएंगे तो वो चिपक जाती है उससे, बिकॉज ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि ये इंड्यूस कर देता है इस पर इफेक्ट अपना, समझ आया, इंड्यूस कर देता है। तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म यूजुअली द मैग्नेट डोमेन्स आर रेंडमली अरेंज्ड, जो मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं वो मतलब अरेंज कर देते हैं, अरेंज हो जाते हैं, रेंडमली अरेंज हो जाते हैं। दिस इज प्लेस इन द बी फील्ड, ये तो नहीं तुम छोड़ो इतना, मतलब बस इतना याद रखो कि जब हम लोग किसी एक चीज को मैग्नेट के पास लेके आते हैं परमानेंट मैग्नेट के पास, तो वो अगर दूसरी चीज भी मैग्नेट की तरह बिहेव हो जाती है या बिहेव करती है तो उसके अंदर मैग्नेटिक डोमेन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग तरह से हमारे पास होता है मैग्नेट बिहेव करने के लिए, और सब्सटेंसेस हमारे पास बाई नेचर हमारे पास इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं मैग्नेट में हमारे पास, चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं आगे और करते हैं समझने की कोशिश। सो अभी हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ ही आगे कर लेते हैं इसमें। चलिए सो अभी हम बात करते हैं, अब हमारे पास मैग्नेट कैसे बनते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि मैग्नेट बनने का जो तरीका होता है वो सिंपल है, इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड होना, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो मैग्नेट बन जाएगा, अदरवाइज मैग्नेट नहीं बनेगा। ओके अब हम बात करते हैं कि चलो ओके सो लेट्स मूव। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास अब बार मैग्नेट्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, जब एक मैग्नेट हमारे पास होती है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड होता है, जहां पर कोई भी एक मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस यानी अपना जो अट्रैक्शन पावर है वो शो कर सकती है या दूसरी चीजों पर लगा सकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा एरिया है जहां पर किसी एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस शो हो सकता है या वो अपना इन्फ्लुएंस को शो कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ आया यस सर। ओके तो इस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड, द एरिया और अ फील्ड अप टू वेयर अ इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेट ऑफ अ मैग्नेट कैन बी सीन। समझ आया कि ऐसा फील्ड, ऐसा एरिया जहां पर आप एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। समझ आया। अब सवाल यह है तुम्हारा, ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एरिया को देख सकते हैं, इन्फ्लुएंस उसका आ सकता है, ठीक है, और उस एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ स्पेशल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइंस बोलते हैं, और ये लाइंस जो होती हैं ये मैग्नेटिक मैग्नेट के को दर्शाती हैं कि किस
तरह से, मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी तो हम बोलेंगे कि वहां पर मैग्नेटिज्म ज्यादा है, ठीक है। तो हम इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को दर्शाते हैं, या हम लोग बोलेंगे समझते हैं थोड़ा सा इसको भी हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और फोर्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किस तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ से आपने आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है और ये मैग्नेट के चारों तरफ होती हैं, और यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि ये यहाँ से नॉर्थ से बाहर, मतलब मैग्नेट के यहाँ बीच में से निकलने, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक्चुअल में ज्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो मतलब नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। मतलब आप देखोगे कि ये इस तरह से जा रही है, पता कैसे चलेगा कि ये इस तरफ जा रही है, किस तरह कैसे हमें पता चलेगा कि ये इस तरह से बिहेव करती है। तो उसका एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को रखें, मतलब एक कंपास नीडल को ले लें एक पेपर पर, मतलब एक बार मैग्नेट ले लें कुछ इस तरह से, छोटा मैग्नेट लेता हूं मैं, और मैं नॉर्थ और साउथ पोल इसको लिख देता हूं, और यहां पर मैं एक मैग्नेटिक नीडल को रखता हूं, तो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन जो होगी वो जिस डायरेक्शन में होगी, अब वहां पर एक डॉट लगा दीजिए, फिर आप यहां पर एक मैग्नेटिक नीडल को रखिए और फिर आप यहां पर एक डॉट लगा, जिस तरफ ये होगी उसका पॉइंट करेगा उस तरफ आप डॉट लगा दीजिए। आप जब यहां पर रखेंगे मैग्नेटिक नीडल को इस पॉइंट पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो आप यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप यहां पर अगर रखते हैं तो उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, कुछ इस तरह से, एंड सो ऑन करते करते ये कुछ इस तरह से शो करता चला जाएगा, ठीक है। और ऐसे कुछ इस तरह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो वो ऐसे कुछ पॉइंट करेगी, यहाँ पर आप रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से पॉइंट करेगी, और यहाँ पर आप करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉइंट करेगी। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कुछ इस तरह से पॉइंट आउट करती हैं। गॉट इट, समझ आया? तो आप इसको हटा लीजिए, और इसको हटाने के बाद ये सारे डॉट से पास करते हुए आप एक लाइन को ड्रॉ कर लीजिए, और वही जो होगी वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, समझ आया? तो ये एक्सपेरिमेंट से आप बना सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर बनाएंगे तो आपको ऐसे ही डॉट्स यहाँ पर मिलेंगे, इस तरह से कुछ इस तरह से डॉट्स मिलेंगे आपको जब आप अलग जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को रखेंगे, और फिर आप इनको मिला लीजिए। तो आप जब इसको मिलाएंगे तो आप इसके चारों तरफ जहां भी आप रखेंगे वहां पर डायरेक्शन इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं वो इस तरह से ड्रॉ की जाती है, यानी कंपास नीडल से हम लोग को पता चलता है कि डायरेक्शन कैसी होती है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के अंदर भी होती है। हमारे पास दो तरह की फील्ड लाइंस होती हैं, एक होती है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं, और एक होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती हैं, मतलब कंटिन्यू नहीं करती, और ये जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये कंटिन्यूअस होती है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि बेटा इसका कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ये अंदर भी जाएंगी ऐसे और फिर दोबारा से ऐसे घूम के आ जाएंगी, मतलब दे आर कॉन्टिन्यूस। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती हैं दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस, मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मतलब जैसे आपने पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो ये ऐसे मतलब अंदर नहीं जाएंगी। आप सपोज कीजिए कोई एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर मतलब चार्ज रखा है पॉजिटिव, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दिस विल बी मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे बाहर की तरफ इससे आ रही होंगी। तो अगर मैं दिखाऊं तो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कैसी होती हैं, तो एक मिनट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स, सो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से होती हैं। आप देखोगे कि दीज आर डिसकॉन्टिन्यूस, आप यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स है और ये डिसकॉन्टिन्यूस होती है, मतलब अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे बाहर निकल रही है, तो जाहिर सी बात है अगर ये कॉन्टिन्यूस होती तो अंदर जाती, तो फिर मतलब ये बाहर निकल रही तो इस तरह से ये अंदर जा रही होती, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो नेगेटिव में अंदर एंटर कर रही होती हैं तो ये कुछ इस तरह से होती है, दे आर डिसकॉन्टिन्यूस, मतलब बॉडी के अंदर नहीं जाएंगी, जिस चीज से बन रहा है चार्ज उसके अंदर नहीं जाती है।
जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं दे आर कॉन्टिन्यूस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कॉन्टिन्यूस होती हैं और वो मूव कर रही होती है, मतलब अंदर भी जा रही होती है मैग्नेट के, समझ आया? गॉट इट? बोलो बेटा समझ आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स में डिफरेंस? अरे मेरे प्यारे बच्चों समझ आया? Yes, sir. कि ये कॉन्टिन्यूस होती है, दीज आर कॉन्टिन्यूस एंड दे विल बी मूविंग लाइक दिस, अंदर भी मूव करेंगी, मतलब ये अंदर भी मूव करेंगी। मेरी आवाज ब्रेक करके तो नहीं आ रही ना बेटा? नो सर। ओके, सो ये कुछ इस तरह से भी मूव करेंगी। ओके, दे विल बी मूविंग लाइक दिस, अंदर भी मूव करती हैं, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो अंदर भी होती हैं और बाहर जो होती हैं वो कर्व होती हैं और अंदर जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइंस की तरह होती हैं। तो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी सीधी होती हैं, यूनिफॉर्म, इसलिए हम बोलते हैं अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी अंदर जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है और बाहर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। समझ आया? यस सर। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेट एंड पैरेलल लाइंस अंदर होती हैं। यहाँ पे तुम देखोगे ये अंदर बाहर से कर्व होती हैं और जितना बीच में रहेगा उतने में सीधी सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। तो यह इस तरह से ये बिहेव करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कर्व होती है। तो अराउंड अ मैग्नेट अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या बी मतलब बी रिप्रेजेंट करता है मैग्नेट को, बी फील्ड भी बोल सकते हैं। एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस देयर इज अ मैग्नेटिक फोर्स, हर जगह पर मैग्नेटिक फोर्स होता है। कैन बी सीन विद अ कंपास नील, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और यूनिट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम बोलेंगे द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी विजुलाइज्ड विद, मतलब देख सकते हो आप फील्ड लाइंस की मदद से, जो स्टार्ट करती है नॉर्थ से और एंड करती है साउथ पे, और अंदर जो होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। और द मोर लाइन्स आर इन वन एरिया मीन्स स्ट्रॉन्गर, जहां जहां ज्यादा लाइन होगी तो सबसे ज्यादा कर्व पे हम लोग को देखने को मिलती है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एट दी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एट दी, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? एजेस पर, यानी पोल्स पर प्रेजेंट होता है। पोल्स पर सबसे ज्यादा होता है, अंदर यूनिफॉर्म होता है और यहाँ पर बीच में जो होता है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर पास पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं होती, जबकि पोल्स पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, बहुत मतलब एक तरह से बहुत डेंस होती हैं, और डेंस होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। यू गॉट इट? समझ आया? समझ आया बेटा? कहां पे सबसे ज्यादा होती हैं, अंदर या फिर बाहर? बेटा अंदर तो यूनिफॉर्म में, अंदर तो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, जो पोल्स पर होगा वो अंदर भी होगा, अंदर तो यूनिफॉर्म है, लेकिन ज्यादा जो होती है वो पोल्स पर होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो पोल्स पर होता है। समझ आया? यस सर। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर। सर दो मैग्नेट को आमने सामने रख दिया तब भी नहीं? नहीं नहीं, दो मैग्नेट वाली बात अलग है, मगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कहीं भी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो ये मेरे पास एक मैग्नेटिक, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, और सपोज करो कि मैंने मान लेते हैं कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में ऐसे कुछ इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कंडीशन मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैंने मैग्नेटिक निडल को रखा, तो मैग्नेटिक निडल रखने पर वो दो पॉइंट में डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, यानी वो इस तरफ भी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए और वो ऐसे, तो वो ऐसे भी होनी चाहिए, ऐसे भी डिफ्लेक्ट होनी चाहिए, यानी इस पॉइंट को भी दिखाए और इस पॉइंट को भी दर्शाए। तो एक पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पर वो दो डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए। क्या पॉसिबल है एक मैग्नेटिक नीडल दो डायरेक्शन में मूव करे? ऐसा पॉसिबल? तो सर हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इफ दे इंटरसेक्ट, हम मानेंगे कि अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं, इफ दे इंटरसेक्ट अगर वो इंटरसेक्ट करें, then at the point of intersection, the magnetic needle must move in two directions,
दो डायरेक्शन में मूव करेगी. समझ आया? समझ आया. बट इट इज नॉट पॉसिबल. बट दिस इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं है. गॉट इट? समझ आया? यस सर. ओके चलो अब हमारे पास आते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं. ध्यान से समझना. तो ये हमारे पास आया है. उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो मैग्नेटिक नीडल के बारे में ही और मैग्नेटिक नीडल से आगे कि आपको पता चल गया आपकी क्यों नहीं होता है मैग्नेटिक, मतलब क्यों इंटरसेक्ट नहीं करती. रीजन पता चल गया क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करती तो भाई जहां पर हम लोग इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट पर वो दो जगह पर होना चाहिए था इंटरसेक्शन, जबकि ऐसा नहीं होता है. समझ आया? अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसमें हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग समझ लेते हैं कि ये करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर के अंदर एक मैग्नेट है, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है, यानी बताता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो अगर हम मान भी ले, ठीक है, तो ये मानने का मतलब होता ही है एक तरह से, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो किस तरह से होंगी? तो क्या वो इस तरह से होंगी, ऐसे ऐसे? क्या वो हेलिकल स्ट्रक्चर्स में होंगी, ऐसे? क्या वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होंगी, कुछ इस तरह से? कुछ इस तरह से ये हमने ले लिया और इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ. पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेता हूँ, ठीक है? कुछ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये सर्कुलर नहीं बना मेरे से. तो क्या वो कुछ इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होंगी? और कॉन्सेंट्रिक सर्कल में फॉर्म में होंगी तो अगर ऊपर करंट जा रहा होगा तो क्लॉकवाइज होंगी कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी? सो ये आपको देखना होगा, ठीक है? तो ये हम लोग पता लगा सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से. राइट हैंड थंब रूल में बहुत इंपॉर्टेंटली सबको समझना है राइट हैंड थंब रूल किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे और इसका जनरल तरीका क्या होगा. देखो बेटा, याद रखिएगा. सपोज कीजिए आप अपनी स्क्रीन में देखिए और आपकी स्क्रीन से करंट आपकी तरफ आ रहा है. मान लेते हैं कि आपकी स्क्रीन से करंट आपकी तरफ आ रहा है तो उस वायर में जो मतलब करंट आपकी स्क्रीन से सीधा आपकी तरफ आ रहा है तो उस वायर में जो आपको क्लॉकवाइज मतलब जो दिखाई देंगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो दिखाई देंगी वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगी. एंटी क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट जो होता है वो अच्छी चीज नहीं है तो वो एंटी है और वो आपकी तरफ आएगा तो मतलब कुछ गलत है ना, इस तरह से हम लोग आप समझ सकते हो. तो दैट वुड बी दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? इसी में भी आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, आप ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं इसको तो ये वायर में आपको लगेगा कि ये वायर में करंट आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं. तो ये आपको ऊपर से कैसे दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इट विल बी लाइक दिस, ऐसे होगा. और इसको आप राइट हैंड थंब रूल के उससे भी चेक कर सकते हैं कि आप राइट हैंड थंब रूल में किस तरह से चेक कर सकते हैं कि सपोज कीजिए कि आपने एक राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया. इमेजिन करिए कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया है और आपका जो थंब है वो पॉइंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी इसके इसके डायरेक्शन को पॉइंट करता है. डायरेक्शन मतलब करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करता है. जस्ट करंट अगर ऊपर मूव कर रहा है तो आपकी जो फिंगर्स होंगी वो रैपिंग फिंगर्स जो होंगी, यानी रैप जो फिंगर्स हैं उसके उसके चारों तरफ, वो रिप्रेजेंट करेगी किसको, दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को करेंगे. मतलब सपोज कीजिए, देखो यहां से देखो. अच्छा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, अलग अलग चीजों की हमारे पास डायरेक्शन होती है. हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी प्रोड्यूस फोर्स होती है. मतलब वो अभी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आएगा, राइट हैंड रूल में मतलब फोर्स वगैरह बाद में आएंगी. पहले हम लोग सिर्फ एक समझ लेते हैं कि एक राइट हैंड करंट कैरिंग कंडक्टर है. इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पहले हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसी की प्रैक्टिस करके अभी समझने की कोशिश करते हैं. तो चलो
सपोज कीजिए कि आपके पास एक एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये आप ऐसे देख रहे हैं, मतलब ये पहले बना लेता हूँ, एक मिनट, तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इतने काफी है। ओके, अब मान लेते हैं कि एक ये आपको, अब मुझे बताइएगा कि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं। बताइए कि ये, मान लेते हैं कि ये स्क्रीन से पीछे से आपकी तरफ आ रहा है, करंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू आपकी तरफ आ रहा है, तो ये बताइए, अब करंट आपकी तरफ आ रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ऐसे है, ये स्क्रीन से आपकी तरफ आ रहा है, तो आपकी फिंगर कैसे हैं, मतलब करंट, आपने ये थंब है ये, इसको अपनी तरफ ले रखा है, करंट क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है, तो बताइए आपकी जो फिंगर है वो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। लग तो एंटी क्लॉकवाइज रही है। एंटी क्लॉकवाइज ना, मतलब घड़ी जो घूमती है वो ऐसे घूमती है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज, वैसे भी पता है कि करंट आपकी तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, और आपसे दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, तो अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इज टुवर्ड्स यू देन इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, समझ आया। ये आपको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, यानी कि ये ऐसे, अरे यार, ऐसे 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 तो क्लॉकवाइज ही हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ, तो ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे और ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि मैंने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, एट आई रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये अब आपसे दूर जा रहा है, तो अब आपसे दूर जा रहा है तो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आप ऐसे पकड़ोगे इसको, और ये अब आपको जो फिंगर्स दिखाई देंगी दैट वुड बी दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएंगे, यानी वो आपको ऐसे दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। आपका थंब जो होगा वो कुछ इस तरह से ऐसे होगा, और जो फिंगर्स होंगी वो कुछ इस तरह से कर्ल होंगी, सो दे विल बी लाइक दिस, तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ तो दे विल बी कर्ल्ड, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। अब अगर मैंने इसको सपोज कीजिए कि ऐसे बनाया, जिसमें आपको दिखेगा ये कई बार, मतलब इसको देखना है ड्राइंग को और करंट के डायरेक्शन को समझना है बस, कि आप इसे देख कहाँ से रहे हैं। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया तो ये अब आपको लगेगा कि आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब आप खड़े हैं, ये कहीं नीचे से आ रहा है और आप इसे ऊपर से देख रहे हैं, इसी प्लेन में ऐसे ऊपर ऊपर आ रहा है, मतलब इट इज कमिंग फ्रॉम फ्लोर टू टॉप, बॉटम टू टॉप की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, आप इसे खड़े होकर देख रहे हैं, तो ऐसे अगर करंट आपकी तरफ आ रहा है तो अब कैसे डायरेक्शन होगी बताओ, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ये जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक उल्टी चल रही है, ओके, गॉट इट, समझ आया? यस सर, ओके, चलो। So, इस तरह से हमारे पास ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में वो आ गया। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल सा ये करना, एक डेफिनेशन होगी इसमें जो आपको लिखेंगे, दैट दे होल्ड योर फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू, सॉरी, इमेजिन योर फोर फिंगर नहीं सॉरी मैं राइट हैंड थंब रूल बताने लग गया आपको, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। सो अभी इसमें हम लोग आपको बताना है राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें क्या करेंगे आप,
इसमें एक सिंपल से डेफिनेशन लिखने के लिए कि होल्ड योर इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंटेड डायरेक्शन ऑफ द करंट देन योर कर्ल फिंगर विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ओके समझ आया? तो ये राइट हैंड थंब रूल होगा. मैं लिख ही देता हूँ राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब तो होल्ड योर इमेजिन यू आर होल्डिंग 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 अ करंट कैरिंग कंडक्टर अ करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब point direction of current then your curl finger will point the direction of magnetic field lines. समझ आया बेटा? बोली समझ आया? बोलिए. Yes sir. अब आपको पता है कि ये हमारे पास directions होती हैं west, east and north and south. मान लेते हैं. और ये एक पेपर पे रखी हुई है. किस पर रखी हुई है बेटा? पेपर पे नहीं, मतलब ये जो वायर है एक पेपर पे रखा हुआ है. मान लेते हैं ये वायर है और मैंने एक वायर को इस पेपर पे रख दिया और इस तरह से रखा कि मान लेते हैं एक वायर है. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है? एक मिनट. मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक वायर है जो मैंने रखा है ऐसे, और ये नॉर्थ से, ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें जो करंट जा रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है. ईस्ट टू वेस्ट करंट जो है वो कैसा है बेटा? ईस्ट टू वेस्ट. इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है. तो अगर करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इफ द करंट इज मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ये नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ पोल, ये एग्जैक्टली मतलब अब ये मतलब इस तरफ है. मान लेते हैं ये सब प्लेन पर है, मतलब एक पेपर पे रखा हुआ है. ये भी एक पेपर है. मान लो कि हमने एक पेपर की शीट ली है ऐसे, और उस पेपर की शीट पर मैंने नॉर्थ साउथ बना दिया. ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये पेपर की, और इसी के ऊपर मैंने एक वायर रख दिया. अब मैं इसके ऊपर, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर हवा में, ऐसे हवा में एग्जैक्टली ऊपर, हवा में एग्जैक्टली ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं यहां पर. तो बताओ यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी, मतलब किस तरह से आप देखोगे? नॉर्थ टू साउथ होगी कि साउथ टू नॉर्थ होगी? अगर आप ईस्ट की डायरेक्शन से देख रहे हो, अगर आप ईस्ट से खड़े होकर, यानी आप यहां पर खड़े हो और यहां पर हवा में एक पॉइंट है ऊपर, एग्जैक्टली ऊपर, तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होगी, मतलब विल इट बी नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस, और साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस. बोलो, हवा में ऊपर है, यहां पर एक पॉइंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? जैसी बात है, ये करंट है, ये मान लिया हम लोगों ने कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें ऐसे क्लॉकवाइज होगी या ऐसे होगी? दो एक तरीके हैं, या तो ये ऐसे घूम रही होगी या फिर ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है? अब आप बताओ यहां पर एक हवा में पॉइंट है, तो वो अब नॉर्थ से साउथ होगी कि साउथ से नॉर्थ होगी? आप ईस्ट पर खड़े हैं,
का उतर रहा है। हम्म, लग तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ लग रहा है, तो एग्जैक्टली नॉर्थ से साउथ, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट जा रहा है और आप ईस्ट से खड़े होकर देख रहे हैं, तो इसका मतलब करंट आपसे दूर जा रहा है, और अगर करंट आपसे दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कैसे होगा इसमें, नहीं नहीं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट आपसे दूर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो होगी वो दैट वुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये कुछ इस तरह से ऐसे होगी फील्ड लाइन्स, और ये पोर्शन नीचे है, मतलब पेपर के नीचे है, और ये पोर्शन पेपर के ऊपर है, तो दैट वुड बी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो होती है वो दैट वुड बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। समझ आया ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ? सर क्लॉकवाइज साउथ से नॉर्थ होता है? नहीं, साउथ से नॉर्थ नहीं चलता है, मैंने ये बनाया है इस पर, वो नॉर्थ साउथ, वो मैग्नेट वाले नॉर्थ साउथ मत समझो, ये मैंने हवा में डायरेक्शन वाले नॉर्थ साउथ बनाया है। अब मैंने इस शीट पर इमेजिन करो कि ये राइटिंग पैड पर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया, और इसमें मैंने नॉर्थ साउथ, मतलब यहाँ पर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यानी ऐसे करंट जा रहा है, और मैं यहाँ से खड़े करके देखूंगा इसमें करंट, तो जाहिर सी बात है ये, मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि मैंने इस फिंगर को ऐसे पकड़ा और ऐसे ये करंट हो गया, तो ये जो फिंगर्स है मेरी ये ऐसे क्लॉकवाइज होंगी, और वैसे मैंने तुम्हें सिंपल से बता दिया करंट आपसे दूर जा रहा है, यानी ईस्ट पर खड़े करके वेस्ट में करंट जाएगा, तो आपको वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है करंट आपसे दूर जा रहा है, करंट आपसे दूर जा रहा है तो उसका मतलब क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो अगर मैं ऊपर ले रहा हूँ, हवा में एक पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर हवा में एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट पर साउथ से नॉर्थ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई देंगे, और एग्जैक्टली बिलो लेता हूं, मतलब इस शीट के नीचे, यानी इस शीट के जस्ट नीचे यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे को कैसे आती हुई दिखाई देगी, अगर ये वाला पॉइंट मतलब नॉर्थ से साउथ, और मतलब जो भी पॉइंट होगा ये आप देखोगे यहाँ पे, क्योंकि कैमरे में थोड़ा सा वैसे नहीं दिख पाएगा आपको, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये एग्जैक्टली नीचे दैट विल बी पॉइंटिंग, मैं यहाँ मान लेता हूँ नीचे एग्जैक्टली, ये पॉइंट एग्जैक्टली नीचे है इसके, और ये पॉइंट, यानी यहाँ से तुम एक लाइन एग्जैक्टली बना सकते हो, या फिर तुम इसको मैं 3D में अगर तुम्हें दिखाऊँ तो तुम 3D में देखो कैसे समझोगे इसको, और 3D में ही समझाना इसको ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं एक मिनट 3D डायग्राम बना देता हूँ, उससे तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, वेट अ मिनट, उससे तुम आसानी से समझोगे। बड़ा मुश्किल होता है यार राइटिंग पैड पे बनाना, चौक से ये बार बार लोग मुश्किल जाता है, अच्छा पता चलता है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये, ध्यान से समझना बेटा, देखो ये मान लेते हैं हम लोग एक एक्सिस है, एक ये ऐसे हवा में एक एक्सिस ये है, और एक ऊपर को है और एक नीचे को है, ठीक है, अब ये है मेरे पास ईस्ट और ये है मेरे पास वेस्ट, और करंट जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है, जरा ध्यान से समझना, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पर मैंने एक वायर रखा है ऐसे, ठीक है, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है, और जो नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है। अब मैं बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे पूछता हूँ और एक इस पॉइंट पर आपसे पूछता हूँ कि बताइए मुझे कि एग्जैक्टली अबाउ नॉर्थ पोल, यानी यहाँ पर पूछूं और एक यहाँ पर पूछूं हवा में, ठीक है, ये आपका फिगर आ गया है इस तरह से कुछ। सो अब आप मुझे बताइए कि करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट, आप ईस्ट से खड़े होकर के देख रहे हैं और हवा में यहाँ पर और एक नीचे, और ये आपका प्लेन में है, यानी आप ये पेपर पे बना हुआ ये प्लेन है नॉर्थ साउथ, तो आप मुझे बताइए कि किस तरफ मतलब नॉर्थ नॉर्थ पर, यानी नॉर्थ पर जो आपको दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो कैसे दिखेगी नॉर्थ पॉइंट पर, नॉर्थ से मतलब यहाँ पर ऐसे दिखेंगी साउथ टू नॉर्थ जाती हुई कि नॉर्थ से साउथ आती हुई दिखाई देंगी, बताओ फटाफट से बोलो, अब तो समझ आया ना 3D में, अब तो समझ आया ना, अरे बोलो भाई, जी सैयद बोलो, टाइम ज्यादा हो गया क्या सैयद, कुछ कहना है बेटा? सो बताइए, प्लीज टेल मी बासिल, टेल मी बेटा, एक तो साउथ से नॉर्थ है, नहीं
बेटा ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, तो आप ईस्ट से खड़े होकर के देखोगे तो वेस्ट मतलब आपसे दूर जा रहा है ना वेस्ट की तरफ, तो ये आपको कैसे दिखाई देगा? आपको यही चीज आपको दिखाई देगी नॉर्थ से, मतलब आपसे दूर जा रहा है तो मतलब क्लॉकवाइज। आप बताओ यहाँ से, आप यहाँ से खड़ो कि क्लॉकवाइज कैसे दिखाई देगा आपको? दैट विल बी साउथ से नॉर्थ, यानी ये चीज जब ऐसे जाएगी तभी तो क्लॉक बनेगी। समझ आया? समझ आया बेटा? तो यहाँ से आपको ऐसे जाते हुए दिखाई देगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऊपर ऊपर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी दैट वुड बी ऐसे। अब ये नॉर्थ साउथ मत समझ लेना कि ये नॉर्थ साउथ जो है ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेट नहीं है। कभी ये नॉर्थ की सर नॉर्थ से साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ये आप सर साउथ टू नॉर्थ क्यों कर रहे हैं बेटा? ये मैग्नेट नहीं है। अगर ये मैग्नेट होता तब मानते हम लोग, अभी ये मैग्नेट है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होंगी दैट वुड बी दी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और इसी तरह से मैं ब्लो नीचे पूछू तो जाहिर सी बात है ये नीचे ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी भी नीचे, तो नीचे कैसे दिखाई देगी आपको? तो दैट वुड बी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ आया? Yes, sir. समझ आया? Yes, sir. हमेशा ये डायग्राम्स आपको जब भी प्रैक्टिस करने की चीजें हो तो ये आपको एकदम 3D बना लेना, ऐसा बॉक्स बनाना है ना, फौरन से एकदम आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब इसी तरह से आगे पूछते हैं, देखो ध्यान समझना। यहाँ पर मैंने एक ही दो क्वेश्चन आएगा लेकिन इसमें गलत नहीं करना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब मैं बोलूँ कि करंट की डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दी, वेस्ट टू ईस्ट कर दी, तो अब आप वेस्ट टू ईस्ट कर दिया, अब आप ईस्ट से खड़े होकर देखोगे तो कैसे दिखेगा आपको? आपकी तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई एंटी क्लॉकवाइज आपको इधर से कैसे दिखाई पड़ेगा? दैट वुड बी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। अब ब्लो द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। समझ आया? यस सर। गॉट इट? पक्का? यस सर। चलो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से? जी सर। ओके सो अभी अगली क्लास में, अभी टाइम नहीं है तो मतलब अगली क्लास में हम लोग बेटा इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे, और थोड़ा लाइक करंट की डायरेक्शन को लेकर के, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगली क्लास में ही हम लोग को पढ़ना है, और दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा ध्यान से आइएगा क्योंकि कल को हम लोग करंट करेंगे तो स्टेट करंट करेंगे कंडक्टर का, तो हम लोग सर्कुलर लूप भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब जब भी साइंस क्लास होगी। कल तो छुट्टी है, फ्राइडे भी है और होली भी है।